हेलो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस के लिए डिमांड की थी और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कहा था। देखिए, इसके लिए हमने पिछली बार एक रिव्यू तैयार किया था सॉलिड केमिस्ट्री पर और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्विक रिव्यू देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसे एक ही वीडियो में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग इसे 2 से 3 वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस नेट एग्जाम में आए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए पोर्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। और इस वीडियोस के अलावा आप लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, पोटेंटियोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक वीडियो डिबाई हकेल थ्योरी पर है और उसकी प्रॉब्लम्स पर भी एक वीडियो है, इन वीडियोस को भी इसके साथ में देखिएगा तो आपका पूरा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के साथ डील करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, जबकि कैथोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब दूसरी टर्म यहाँ पर आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो हर इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल जेनरेट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की और 298 केल्विन टेम्परेचर, तो इन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखिए, हर इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल बना रहा है और किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है और उसके रेस्पेक्ट से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाना जाता है। अब दूसरी टर्म आती है ईएमएफ। ईएमएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर ईएमएफ पर ही आते हैं। तो ईएमएफ किसी भी सेल का, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमसे हम ले रहे हैं तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया जाता है, ई नोट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस ई नोट ऑफ द एनोड। इट मीन्स जहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि साइन कौन सा लेना है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। तो इसके लिए देखिए, पहले आप कोई भी आपको रिएक्शन दी गई है उसे रिडक्शन रिएक्शन के रूप में लिखिए। पहले उसे रिडक्शन रिएक्शन के रूप में लिखेंगे, फिर हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो जिस भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा वो एनोड की तरह वर्क करेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम निगेटिव होगा वो कैथोड की तरह वर्क करेगा। और फिर हम उसको इस साइन के साथ में इस इक्वेशन में उसे रख देंगे और ई नोट की वैल्यू निकल आएगी। जैसा कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, दिसंबर 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है, सीएसआईआर नेट एग्जाम में दिसंबर 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, हमें 2 रिएक्शंस दिए हैं, जिंक प्लस 4 NH3, जिंक NH3 होल 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू है 1.03 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.763 वोल्ट। अब हमें फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट बनाना है इस कॉम्प्लेक्स जिंक NH3 होल 4 प्लस 2 का, क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हमें जो दोनों रिएक्शन दिए हैं वो ऑक्सीडेशन फॉर्म में दी हुई हैं। अभी इसे हम पहले रिडक्शन में चेंज करेंगे, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। तो हम रिएक्शंस को रिवर्स करके लिखते हैं, जिंक NH3 होल 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बना रहा है, जिंक प्लस 4 NH3, और यहाँ EMF क्या हो रहा है, ई नॉट माइनस 1.03 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स लेके जिंक बना रहा है, अब यहाँ हमने रिवर्स कर दिया, ई नॉट कितनी वैल्यू हो गई, माइनस 0.763 वोल्ट। अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है, माइनस 1.03, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा इस पर। इट मीन्स ये एनोड की तरह वर्क करेगा और ये कैथोड की तरह, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 0.763 माइनस माइनस 1.03, तो हमारी क्या वैल्यू आती है, 0.267 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट के, तो लॉग के दिया जाता है किस फॉर्मूला से, एन ई नोट डिवाइडेड बाई 0.0591। ये फॉर्मूला भी अभी हम आगे देखेंगे।
तो इस फॉर्मूले में हम पहले वैल्यूज रखते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 × 0.267 डिवाइडेड बाई 0.0591। तो देखिए वैल्यू क्या आती है, 9.1, यानी हमारी के की वैल्यू कितनी हुई, अप्रॉक्सीमेटली 10^9, यानी हमारा ये सी ऑप्शन सही आंसर है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। एक इक्वेशन है जो कि ईएमएफ का किसी भी सॉल्यूशन में आयंस रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से रिलेशनशिप को शो करती है। और देखिए कोई अगर हम रिएक्शन लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, सपोज एम एन प्लस आयन्स एन इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके एम सॉलिड बना रहे हैं, ये एक रिएक्शन देखते हैं। तो इसके लिए ई एम एफ ऑफ द सेल किस रिएक्शन से दिया जाता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन कंसनट्रेशन ऑफ एम एस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। ये जो इक्वेशन है ये नर्नस्ट इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर हमारा टेम्परेचर वन एटमोस अगर हमारा प्रेशर वन एटमोसफियर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब यहाँ पर आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर होगा हमारा 298, फेराडेज वैल्यू 96,500, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2.303 लॉग, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। अगर हम रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं इस टाइप की, कि रिएक्टेंट्स ए ए प्लस बी बी ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट सी सी और डी डी में, तो देखिए इसके लिए जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो उसका रूप क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी टू दी पावर सी टी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी। अगर डेनियल सेल की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉमन है एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं जनरली वो डेनियल सेल पर ही होते हैं। तो डेनियल सेल में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस यू प्लस टू, वो है जिंक प्लस टू और सी यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर प्लस टू आयन्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जिंक प्लस टू डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू। ओके, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया गया है तब सेल का जो ई एम एफ होगा वो 0 के बराबर होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन सी एस आई आर नेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिंपली क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पर ई एम एफ सेल का क्या है, तो वो 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू, ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, और हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, देखिए इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, लॉग के सी विल बी इक्वल टू एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.0591। इस इक्वेशन से, ये दूसरा फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप ई एम एफ जानते हैं। अब एनोदर इक्वेशन क्या है, एनोदर फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज, ई एम एफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन तीनों में से अगर आपको एक दो चीज़ें पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। कैसे, पहली बात, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, माइनस आर टी एल एन के। दूसरी इक्वेशन क्या है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एन एफ ई नॉट विल बी इक्वल टू आर टी लॉन के, तो ई नॉट विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। इस वैल्यू से देखिए हम, अगर हमें ई एम एफ पता है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात आती है फीसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, फीसिबल है कि नहीं है, इसको कैसे पता लगाते हैं, हम ई एम एफ सेल का स्टैंडर्ड ई एम एफ देखते हैं किसी भी सेल का, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ई एम एफ ऑफ द कैथोड माइनस ई एम एफ ऑफ एनोड, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन फीसिबल है, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन फीसिबल नहीं है। अब देखिए हम इन फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो दिसंबर 2017 में सीएसआईआर नेट में आ चुका है, और क्वेश्चन क्या है, द प्रेडिक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमें मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, सेल क्या है, एफ ई एफ ई प्लस टू 0.01 m कंसनट्रेशन, सी डी प्लस टू 0.01 m सी डी सॉलिड,
इज, और हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। Fe प्लस टू Fe का है -0.447 वोल्ट और Cd प्लस टू Cd का है -0.403 वोल्ट्स। अब देखिए पहला काम जो हमें करना है वो क्या है, हमें ये देखना होगा कि इसमें से किसका EMF ज़्यादा निगेटिव है। ये देखिए यहाँ पर Fe प्लस टू Fe वाले का -0.447 है, ये ज़्यादा निगेटिव है। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जबकि इस वाले पर रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो यानी आयरन जो है वो Fe प्लस टू में कन्वर्ट होगा और कैडमियम प्लस टू आयन्स कैडमियम में कन्वर्ट होंगे। तो हमारी सेल रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस Cd प्लस टू इज़ कन्वर्टिंग टू Fe प्लस टू प्लस Cd। अब पहले हम स्टैंडर्ड EMF निकालेंगे, वो किसके द्वारा दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, 0.403 वोल्ट्स, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था 0.447 वोल्ट्स। दोनों के साइन हमें रखने हैं एज इट इज़, तो साइन के साथ हमने लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड EMF क्या आता है, 0.044 वोल्ट्स। अब हम नानास्ट इक्वेशन का यूज़ करके EMF ऑफ सेल निकालेंगे। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एफ ई प्लस टू अपॉन सी डी प्लस टू। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, 0.044 इसकी वैल्यू हम जानते हैं 0.0591 होती है, जबकि एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसलिए टू ही वैल्यू, लॉग 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01। अब देखिए लॉग हमें वैल्यू ये दी है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01, ये दोनों कट जाएंगे, लॉग वन आया। लॉग वन की वैल्यू हम जानते हैं जीरो होती है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारा EMF सेल कितना होगा, 0.044 वोल्ट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजीली दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जून 2017 में आया है और गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें इस रिएक्शन के लिए, जिंक प्लस सी यू प्लस टू इज़ फॉर्मिंग जिंक प्लस टू एंड सी यू, डैनियल सेल रिएक्शन हमें दी हुई है, इसका EMF हमें क्या दिया है, 1.1 वोल्ट, और हमें गिब्स फ्री एनर्जी बतानी है जबकि हमें फेराडे की वैल्यू दी हुई है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पता है कितनी है, टू इलेक्ट्रॉन्स, इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, टू। फेराडे की वैल्यू हमें दी ही हुई है 96,500, और वैसे भी अगर ये वैल्यू ना दी हो तो हमें ये याद रखनी है, फेराडे की वैल्यू 96,500 होती है। ई नॉट की वैल्यू 1.1 दी हुई है, वैल्यूज पुट करी, आंसर हमारा क्या आएगा, 212 माइनस 212,300 जूल्स पर मोल। ओके, वैल्यू लंबी है, इसको हम किलो जूल में चेंज कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाता है, -212.3 किलो जूल पर मोल्स। अब देखिए इसे मैच करके देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी, इससे वैल्यू मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो देखिए ये इस वीडियो के लिए काफ़ी सफिशियंट है, अगले वीडियो में अभी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।